और ये 1100 रुपये मैं सूरत के परिवार को देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है हम उसी की पहले हेल्प करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। जो हमारी देखभाल करेगा तो सबसे बेहतर है। हम यही भगवान के आगे भी दुआ मांगते हैं भाई, इनकी जिंदगी सलामत। ये भाई आया है, महंगी भाई आया है, वो हमको कम्बले राशन वगैरह कपड़े हमारे को बहुत देते हैं, हम इनको भी बहुत। मैं इधर अकेली हूँ, कोई कमाने वाला नहीं है, ना मैं कमा सकती हूँ, ऐसे भी दिल की मरीज हूँ। कोशिश करते हैं कि इनकी जितनी से ज्यादा हेल्प हो सके हम अपनी तरफ से करते हैं, और आप लोगों के सहयोग से ये सब काम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप नेगी और आप सभी का स्वागत है हिंदू सम्मान फाउंडेशन में। जो भी पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, अफगानिस्तान हो गया, आपका बांग्लादेश है, हम उनकी शुरुआत में हेल्प करते हैं। जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है हम उनको पूरी करते हैं, और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम ये कार्य कर पाते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज हमारे साथ भारत फर्स्ट टीम की तरफ से उन्होंने हमको 2200 रुपये और कुछ कपड़े दिए हैं, जो कि यहाँ पे जो हिंदू रह रहे हैं आपका सिग्नेचर ब्रिज में, वहाँ पे इनको डोनेट करने के लिए। आइए मिलते हैं उनसे। हमारे साथ है पूरन जी, पूरन जी की फैमिली है, ये यहाँ पे पाकिस्तान से आए हैं और ये यहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज में रहते हैं। इनके साथ साथ हमारी माता जी हैं, ये भी आपके वहाँ पाकिस्तान से आए हैं, साथ में सूरज की फैमिली है। तो आज हम इन तीनों से मिलेंगे, बात करेंगे थोड़ा सा, और जो हमारी जो डोनर है उनकी तरफ से जो हमको राशि आई है वो भी हम इनको देंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये कपड़े दे रखे हैं इन्होंने। ये कपड़े पकड़िए, पूरन जी आप इस टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको डोनेट करा है? इस टीम के बारे में हम धन्यवाद कहेंगे, इस टीम के बारे में आपको उनको धन्यवाद भी देते हैं। हमारे को 10 महीने हो रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, बहुत सस्ता आती थी, वीडियो बना के चली जाती थी। जब से विजय भाई आया है, महंगी भाई आया है, तो वो हमको कम्बलें राशन वगैरह कपड़े हमारे को बहुत देते हैं, हम इनको भी बहुत धन्यवाद। बस वहाँ बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे, महंगाई बहुत थी, तो हमने सोचा हम अपने भारत में जाएंगे। यहाँ आने के बाद हमको बढ़िया लग रहा है, यहाँ प्यार भी मिल रहा है और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपको अभी तक क्या क्या मिला है हिंदू सम्मान की फाउंडेशन की तरफ से? वो हमारे को राशन मिला है, कम्बले मिली हैं, रेड़ी भी दी है और कम्बले भी दी हैं, सब कुछ हमारे को मिल रहा है। दोस्तों आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो, हम किस तरीके से हेल्प करते हैं, हम पहले हम जो भी हमारे जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं उनसे हम उनकी ज़रूरतें पूछते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, कितनी फैमिलियां हैं, किस परेशानी से वो आए हैं, उसके बाद जो जो उनको नीड होती है, जो उनको ज़रूरत होती है, हम उनकी पूरी कोशिश करते हैं कि वो पूरी की पूरी जो उनकी ज़रूरत है वो पूरा करा जाए। तो दोस्तों आइए माता जी से मिलते हैं। दोस्तों ये आपको मैं बता दूं, भारत फर्स्ट टीम की तरफ से 2200 रुपये भी आए हैं, ये भी हम आपको 1100 रुपये हम माता जी को देंगे। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहते हैं भाई, हम पाकिस्तान से आए हैं, आने के मेरे को इधर 5-6 साल हो गए हैं, कोई हमारा जुगाड़ नहीं बना था, जब से विजय भाई आए हैं हमारा सब कुछ जुगाड़ बन रहा है, हमारी देखभाल भी बनती है, खाना पीना भी मिलता है, ओढ़ना पहनने का भी कपड़ा मिलता है, रजाइयां कमले सब कुछ हमारे को दे रहे हैं, और यही परेशानी हमारे को है भाई, हमारे बच्चे हैं वो थोड़े से फंसे हुए हैं, कोई कमाने वाला मेरा इधर है नहीं,
बाकी यही धन्यवाद करते हैं इन लोगों को, हमारे बच्चे आ जाएंगे तो हम बहुत इनको धन्यवाद हमारी तरफ से करते हैं। अच्छा, ये अकेले रहते हैं यहाँ पे आप? मैं इधर अकेली हूँ, कोई कमाने वाला नहीं है, ना मैं कमा सकती हूँ, ऐसे भी दिल की मरीज हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत इलाज करवाती हूँ, दवाई के पैसे घुट जाते हैं, फिर कहीं चली जाती हूँ चंदे के लिए। यही प्रार्थना करते हैं जो हमारी देखभाल करेगा तो सबसे बेहतर है। हम यही भगवान के आगे भी दुआ मांगते हैं भाई, इनकी जिंदगी सलामत रखे तो हमारे को जुगाड़ बनता ही रहे, यही हम धन्यवाद मांगते हैं। और बच्चे हमारे बहुत फंसे हुए हैं, मेरा पति भी उधर है, बेटी बेटे भी उधर है, मैं तो अकेली इधर आ रखी हूँ। दोस्तों देखिए, आप लोगों की वजह से ही इन लोगों की हेल्प होती है, तो मैं आशा करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ आप लोगों से कि आप बढ़ चढ़कर आप आगे आइए, इन लोगों की हेल्प कीजिए। कई लोग बोलते हैं कि इनको आप रोज़गार दीजिए, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि रोज़गार तो बाद में देंगे, पहले इनको जो आए हैं वहाँ से खाली आते हैं, केवल दो जोड़ी कपड़े लेके आते हैं और यहाँ पे एक आप उम्मीद से आते हैं कि जो यहाँ पे हिंदू रह रहा है वो हमारी मदद करेगी, जो यहाँ की सरकार है वो मदद करेगी। आते हैं लोग यहाँ पे, वीडियो बनाते हैं पर उसके आगे कुछ नहीं करते हैं, ये अभी खुद भी बोल चुके हैं, काफ़ी पुरानी जो हमारी वीडियो उन पे भी काफ़ी लोगों ने बोला। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं उनके लिए भी बोलता हूँ जो यहाँ पे वीडियो बनाते हैं और आते हैं, पर आप आइए, वीडियो बनाइए पर साथ साथ इनकी हेल्प भी कीजिए। खुद समझ सकते हो इनकी जो प्रॉब्लम है, पानी ऊपर मेन पुश्ते पे यहाँ पे टैंकर खड़ा हो जाता है, वहाँ से पाइप के द्वारा आप दिया जाता है पानी, बहुत यहाँ पे फैमिली रहती है, 80 फैमिलियाँ, तो 80 फैमिलियों तक पानी पहुँचा जाता है, बहुत ही प्रॉब्लम है। बीमारी, ये बीमारी से भी हर ऐसे कोई फैमिली नहीं है जिस घर में कोई बंदा बीमार ना हो, किसी को किडनी की दिक्कत होती, किसी को हार्ट की है, किसी को भाई अभी बुखार उखार आते रहते हैं, उनके दवा के लिए उनके जो भी आने जाने का कन्वेंस होता है सब खर्चा होता है। हम कोशिश करते हैं कि इनकी जितनी से ज़्यादा हेल्प हो सके हम अपनी तरफ से करते हैं और आप लोगों के सहयोग से ये सब काम होता है। दोस्तों मिलते हैं सूरज के परिवार से और ये 1100 रुपये मैं सूरज के परिवार को देता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है हम उसी की पहले हेल्प करते हैं, और आज ये फैमिली आए हैं तीन, तो हमने इनको कपड़े भी दिए हैं और ये थोड़े से जो 2200 रुपये हैं ये भी इनको शेयर करें हैं। अच्छा सूरज जी, आप बताइए कि क्या करना चाहेंगे जिन्होंने आपको दिया? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ उसे जिसने हमें हेल्प की हमारी। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया आए हुए यहाँ पे? यहाँ पे तो 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। काम क्या करते हो अभी आप? पहले तो कचौड़ी का करता था, अब तो वो भी नहीं है। वो भी नहीं है? हाँ। क्यों, अब क्या हो गया? वो तो पापा की थी, पापा का खर्चा कौन करे, वो तो उसी को दी। अच्छा, तो अभी आपको क्या चाहिए? तो ये सर्दी का टाइम है, कोई गर्म माल मिल जाए, रेडी मिल जाए, रेडी जो लगा सके। अच्छा, तो अभी वो पापा लगाते हैं? हाँ, वो पापा लगाते हैं। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलता है? पापा ही देते हैं। पापा ही देते हैं, तो मतलब पापा अपनी भी अपना भी जो अच्छा, भी खाना पीना वो खाना तो वही देते हैं, तो बकाए तो दवा वगैरह वही कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अभी कुछ नहीं करते हो? उसकी हेल्प करवा देता हूँ कभी। तो उसमें कितना कमाई कितनी हो जाती है दिन भर में? 400 कभी 350 चलने के हिसाब से होता है, जितनी चल सके। दोस्तों आप देख सकते हो सूरज जी की पहले भी हमने वीडियो बनाई थी और आप देख सकते हो ऊपर ये कचौड़ी का काम करते हैं, पर अब इनके फादर भी हैं, फादर भी अभी कभी फादर लगाते कभी ये लगाते हैं, तो कमाई केवल 300-400 रुपये की होती है पूरे दिन भर में, और ये अपना बिल्कुल घर का खर्चा चलाते हैं। अभी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनके माता पिताजी भी हैं, इनकी बहन भी है और ये पूरे और बच्चे भी हैं आपके? हाँ, बच्चे भी हैं। तो ये पूरी की पूरी जो फैमिली है ये पूरा का ये लगा लो 300-400 रुपये में क्या चलता है घर पूरे दिन का। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, अगर आपको रेडी वेडी मिल जाए कचौड़ी की जो भी है तो सही हो जाएगा आपका? हाँ, कचौड़ी की मिल जाएगी, कुछ और मिल जाएगी, जो भी दे सकते हो वो मिल जाएगा, तो लगाएंगे सही। अच्छा, काम कर सकते।
अच्छा बहन जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको ये 1100 रुपए और ये कपड़े डोनेट करे? जिसने दिए हैं उनके लिए धन्यवाद बोलते हैं हम लोग, जो हमारी हेल्प की है उसने, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो आपका घर कैसे चलता है? जैसे अभी बोल रहे हैं कि अभी फादर, इनके फादर अभी कचौड़ी की वो लगा रहे हैं, तो घर कैसे हैं? उनकी हेल्प करते हैं हाँ। तो पर कमाई तो उतनी होती है 3-400 रुपए की, जाती तो उसमें, फिर क्या करें हाँ? उसके अलावा और एक्स्ट्रा कोई काम कहीं इधर जॉब का कुछ नहीं जाते? नहीं है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? जो हमारे पास हो गया तो हम खुद का करेंगे ना कारोबार, हम करेंगे तो हमारा पैसे हो जाएगा, खुद का बच्चों का है, कुछ दवाई पानी के लिए, कुछ घर का खर्चा अभी है, बच्चे भी स्कूल भेजना है, किराया नहीं है, बच्चे नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अच्छा तो यहाँ से कितनी दूर है स्कूल? विधान स्कूल में जाते हैं। अच्छा विधानसभा में जाते हैं, तो ये मुझे बताइए कि तो जाते कैसे हैं यहाँ से? ऑटो में जाते हैं। आप ये देख सकते हो जो यहाँ से कन्वेंस है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं ये, और यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल है, पर यहाँ ये हाईवे है, हाईवे वाला रूट, तो यहाँ से इन्होंने एक ई रिक्शा लगा रखा है, तो उसमें मंथली के 2 बच्चों के 300 रुपये जाते हैं। इनके पास मंथली के 300 रुपये भी नहीं है जो कि बच्चों को ये भेज सके स्कूल। टाइम टू टाइम भेजते हैं पर कभी कभार छुट्टी कर देते हैं क्योंकि भैया पैसे नहीं होते, जाने नहीं होता, कभी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इनको। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आगे आइए, इन लोगों की हेल्प कीजिए, आप खुद आइए विजिट कीजिए और यहाँ पे आके देखिए कि ये कैसी हालत में रह रहे हैं, इनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है। आप आके खुद देखेंगे अपनी आंखों से तो आपको और ज़्यादा यकीन होगा, इनसे बात करेंगे तो इनकी बातों से आपको पूरा पता चलेगा कि ये कैसी परेशानी में है, कैसी परेशानी से वहाँ से आए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये लोगों को क्या क्या ज़रूरतें रहती हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम जितना हो सके आप लोगों तक इनकी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। तो आप आगे आइए हेल्प के लिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।